हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली जो था वो फ्रेगमेंटेड था सेवन स्टेट्स में। ठीक है, ये कौन कौन से स्टेट्स थे पहले हम देख लेते हैं। पहले है सार्डिनिया पेडमोंट, जो कि इटली के प्रिंसली हाउसेस उसको रूल करते थे। जो नॉर्दर्न था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स का था। सेंट्रल में पोप रूल करते थे और सदर्न रीजन्स में बर्बन किंग्स रूल करते थे। और इटली सेवन स्टेट्स में बिखरा हुआ था, तो कई बार इसको सेवन सिस्टर्स भी बोल दिया जाता है। तो जो गॉसिपी मिजीनी थे, इन्होंने बेड़ा उठाया कि नहीं, हमको इटली को यूनिफाई करना है। उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी यंग इटली के नाम से 1830s में, और उन्होंने एक रेवोल्यूशन भी किया जो कि फेल हो गया। उसके बाद जो ये किंग विक्टर थे एमिल सेकेंड, जो कि यहाँ पर रूल करते थे सेरिडिनिया पेडमोंट में, उन्होंने उनको लगा कि नहीं, हमको यूनिफाई करना है, क्योंकि उनको अपना बेनिफिट नज़र आया। क्या बेनिफिट नज़र आया? क्योंकि उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डोमिनेंस, ये सब उनको बेनिफिट नज़र आया। तो उनको लगा कि नहीं, हमको इटली को यूनिफाई करना है। तो उनके चीफ मिनिस्टर थे काउडर, उनके चीफ मिनिस्टर थे काउडर, एंड वो फ्रेंच अलायंस के साथ, ठीक है, उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया। और एक गैरिबाल्डी थे, उनके वॉलेंटियर्स आए थे जो कि लगभग थे 1000, ठीक है, वॉलेंटियर्स थे। उन्होंने लोकल फार्मर्स की मदद से स्पैनिश जो लोग थे उनको हटा दिया था वहाँ से, ठीक है। इसके बाद 1861 में ये जो हमारे विक्टर एमिल सेकेंड हैं, इनको यूनाइटेड इटली का राजा घोषित कर दिया गया। तो ये थी स्टोरी यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। थैंक यू स्टूडेंट्स।